अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसका रहा हमारे पास फर्स्ट पार्ट। कहता सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड तो ऑलरेडी हम कर चुके पहले, जो इससे पहले वाले एक्सरसाइज है 3.3, तो आप वहाँ पर देखें क्वेश्चन को, ठीक है, खुद ट्राई करें। ठीक, अभी हम करेंगे इसमें कौन सा एलिमिनेशन मेथड। देखिए आपने क्वेश्चन में दोनों तरह से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना है, एलिमिनेशन भी करना है। देखिए पहले हमारे पास हेयर यहाँ दिया हुआ, हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, एंड यहाँ हमारे पास सेकेंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। ठीक, तो हमने क्या करना है, हमने देखना है यहाँ पर पहले में आपने देखना है x को, देखना है क्या देखना है, x को। ठीक है, तो इतना ध्यान रहे आपको, मतलब कुछ भी ले सकते हैं लेकिन हमने सिर्फ पहले वाले आप देखें, ठीक है ना, आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x के आप साथ में देखेंगे कौन सा नंबर है, मतलब x का कोफिशियंट क्या है, ठीक है ना। ठीक है, इसके साथ में कौन सा है, देखिए यहाँ पर x के साथ में कुछ नहीं दिख रहा आपको, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, 1 इंटू x करें तो क्या होता है, वो x ही होता है। मतलब जहाँ पर आपको कोई x खाली दिखेगा उसका मतलब यही होगा कि x के पीछे क्या है, 1 है। ठीक, देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है आपको, किसी एक टर्म को ख़त्म करना पड़ता है, मतलब या तो इस पूरे x को ख़त्म करना पड़ता है या फिर पूरे y को ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है ना, तो हमें आगे नहीं जाना, हमने x को ही ख़त्म करना है। देखिए हम क्या करेंगे, इस पहली इक्वेशन को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर यहाँ पीछे दिया होगा ना उसी से। ठीक, और इस दूसरे वाली को हम किससे करेंगे, ऊपर, देखिए यहाँ मैंने अभी कहा इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब 1 से। ठीक है ना, ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए। ठीक है, यहाँ इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको कौन सा, सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, बाय 2। ठीक, एंड सेकंड बाय 1। ठीक, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ओपोजिट चलना है। ठीक है, तो जब आप इस पूरे को, मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने 1 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पूरी को इक्वेशन को करना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर 2 से करना है तो 2 इंटू एक्स करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये रही हमारे पास कौन सी, थर्ड। ठीक, और अब सेकेंड को किससे करना है, 1 से करना है। ठीक है ना, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर वापस आता है। ठीक है ना, 1 इंटू 2x करेंगे, यहाँ पे आप देखें 1 इंटू 2x, तो आंसर कितना आएगा, 2x ही आएगा वापस। ठीक है, तो मतलब 2x फिर 1 इंटू 3y करेंगे तो वापस वही 3y आएगा। ठीक है, इस इक्वल टू 1 इंटू 4 करेंगे तो वापस वही 4 आएगा। ये रही हमारे पास कौन सी, फोर्थ। ठीक, यहाँ पे हम देखें यहाँ भी 2x हो गया, यहाँ भी 2x क्या हो गया, तो अब हम इनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, हम इन दोनों को क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ, इसको बाहर निकालना है। ठीक है ना, फ्रॉम किससे, इक्वेशन थर्ड। ठीक है जी, थर्ड से हमने क्या करना है, इसको निकालना है। तो देखिए मतलब पहले कौन सी लिखनी है, थर्ड भी लिखनी है, तो 2x प्लस 2y। ठीक है, फिर ये रही हमारे पास फर्स्ट। ठीक है ना, अब दूसरे को माइनस करें तो माइनस लिखेंगे, इसको भी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 4। ठीक है ना, 2x प्लस 2y माइनस इंटू 2x करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2x होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, इस इक्वल टू 10 माइनस 4 करेंगे कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, ये 2x और ये 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, कैंसिल हो गया, तो 3y प्लस 2y करेंगे कितना हो जाएगा, 5y, 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5y हमारे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 को हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। ठीक, पुट y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में डालेंगे, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, विच इम्प्लाइज x प्लस वाई, वाई कितना हमारे पास, 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। ठीक, प्लस लगा हुआ तो यहाँ जिसके नीचे क्वेश्चन उसके नीचे वन लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है,
इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, 5 × x करें कितना हो जाएगा 5x प्लस 6 × 1 करें कितना हो जाएगा 6 अपॉन 5 × 1 करें कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5, ठीक, विच इम्प्लाइज 5x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 25। अभी आप कहेंगे ये 25 कहाँ से आया, देखिए यहाँ पर जब इक्वल टू लगा हो मतलब यहाँ 5 है ना, तो अगर नीचे कुछ नहीं तो कोई भी नंबर उसके नीचे 1 है आता है, ठीक है ना। तो जब इक्वल टू लगा हो उस वक्त क्या करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको इसके साथ बस, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना होता, ठीक है। लेकिन जब प्लस माइनस लगा हो तो फिर आप नीचे भी करते हैं ऐसे करके, है ना। लेकिन इक्वल टू के केस में आपने ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो 5x प्लस 6 × 1 करेंगे तो वही आएगा, 5 × 5 किया कितना 25 हो गया, ठीक है, विच इम्प्लाइज 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 करें, विच इम्प्लाइज 5x इक्वल टू 25 माइनस 6 करें कितना हो जाएगा 19, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5, ठीक है ना। कितना आया हमारे पास 19 अपॉन 5, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 एंड y इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 6 अपॉन 5, y आया हमारे पास कितना 6 अपॉन 5। ये रहा हमारे पास कौन सा एलिमिनेशन मेथड। देखिए अब हम करेंगे इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाई बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास क्या इक्वेशंस थी, हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये रही हमारे पास फर्स्ट, ठीक है, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये रही हमारे पास कौन सी सेकेंड, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से क्या हो गया x इज इक्वल टू 5, ये प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y, ये रही हमारे पास कौन सी थर्ड इक्वेशन। देखिए इस थर्ड को हमने फर्स्ट से निकाला है, तो दोबारा हम इसको जब पुट करेंगे फर्स्ट में नहीं पुट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट से निकाला है इसको, हम इसको सेकेंड में पुट करेंगे, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना आपने, ठीक। पुट इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड में डालना है इसको। सेकेंड हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज, तो 2x की वैल्यू डालें 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है, विच इम्प्लाइज, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, ठीक है। तो 2 इंटू 5 करें कितना जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू वाई करें कितना जाएगा 2y, और फिर माइनस 3y इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज 10, 2y और 3y माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, मतलब प्लस करना होता है, बट साइन किसका रहता है माइनस का रहता है, तो 5y इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये 10 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक, विच इम्प्लाइज माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 करें कितना होगा माइनस 6 होगा, ठीक है, मतलब 10 में से 4 निकाल दें आप, ठीक है, तो कितना होता 10 माइनस 4 करें कितना होगा 6 होगा, बट आपने माइनस साथ में लगाना है, माइनस इसलिए लगाना है क्योंकि जो नंबर है यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 10 है, तो इसलिए जो बड़ी टर्म होती है उसके साथ क्या होता है अगर उसके साथ माइनस लगा हुआ तो आंसर भी क्या आएगा किस में आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक, विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, ठीक, पुट वाई हमारे पास निकल गया, पुट वाई इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालना है ये हमने निकाला किस में थर्ड में, ठीक है ना, थर्ड में डालना है इसको, ठीक है, वी गेट थर्ड हमारे पास किया x इक्वल टू 5 माइनस वाई, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 माइनस y कितना हमारे पास है 6 अपन 5, तो यहाँ पे आप करें इज इक्वल टू जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक, 5 इंटू 5 किया कितना हो गया 25 माइनस 6 इंटू 1 किया कितना हो गया 6 हो गया अपॉन 5 इंटू 1 करें कितना होगा 5 होगा इज इक्वल टू 25 माइनस 6 करें कितना होता है 19 अपॉन 5, देयरफॉर आपके पास निकल गया x कितना 19 अपॉन 5, ठीक है ना, तो लास्ट पे आप लिखोगे हेंस x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 एंड
वाई इज इक्वल टू, वाई हमारे पास कितना आया 6/5, ठीक है। तो इस तरह से हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, बाई एलिमिनेशन मेथड से भी और बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रहे कि जो एलिमिनेशन मेथड से आंसर आएगा वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर सेम आएगा, अगर सेम नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम पहली एक्सरसाइज से मतलब दूसरी एक्सरसाइज से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको भी आपने देख लिया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अच्छे से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये आएगा, ठीक है ना। बाकी आप पार्ट आपको ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो चलिए अभी तक लिए रखते हैं इतना ही।